आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चलिए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की माटी से अनेक खिलाड़ियों ने देश और विदेशों में मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इटली में हो रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रोहतक जिले के गांव रिठाल के कुश्ती पहलवान सूरज विशिष्ट ने ग्रीको रोमन के 55 किलो भार में गोल्ड मेडल जीतकर देश की झोली में मेडल डाला है कि सूरज इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। इससे पहले पप्पू यादव ने 32 साल पहले देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीतने के बाद सूरज अपने अखाड़े में रोहतक पहुंचे और वहां पर उसके साथी पहलवानों ने उसका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं रोहतक की 40 किलोग्राम भार वर्ग की खिलाड़ी मुस्कान ने एशियन कप जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और पहलवान सूरज वशिष्ठ और मुस्कान दोनों ही ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। 32 साल बाद कुश्ती के अंदर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सूरज ने इटली में 25 तारीख से 31 तारीख तक हो रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और जिससे रोहतक ही नहीं, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूरज वशिष्ठ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। सूरज, महज 16-17 साल की उम्र में आपने जो अंडर 17 में गोल्ड मेडल लिया है, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, देश के लिए भी मुझे भी सभी ने बहुत गर्व हो रखा है मेरे ऊपर कि गोल्ड मेडल आया 32 साल बाद मैंने जीता है। पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है ये। 1990 में मेडल आया था, उसके बाद 32 साल के बाद आज जो है आपने फिर दोबारा से जो है जीत हासिल की है और अब देश की तरफ से अलग अलग नेताओं के भी फ़ोन आपके पास आ रहे होंगे, ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने किया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे कि भी एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए और क्या प्रेरणा चाहिए? यही है, ये जो हमारे मनोहरलाल खट्टर जी हैं और बड़े बड़े आदमी ट्वीट कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है, एक प्राउड फील होता है, एक ऐसा होता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है, ये सपोर्ट करेंगे हमें और अच्छा, मतलब सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे ऊपर लेवल तक जाएंगे, आगे भी बहुत मेडल आएंगे। तो 55 केजी में आपकी अलग अलग खिलाड़ियों से जब कुश्ती हो रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था कि भी देश के लिए क्या कुछ करना है, क्योंकि इससे पहले भी आपने जो है हरियाणा में भी, पंचकुला में, खेलो इंडिया में भी गोल्ड मेडल लिया था नेशनल में, और उसके अलावा अलग अलग जगह पर भी कई जगह गोल्ड मेडल लिए हैं, तो उनको लेकर के क्या कहेंगे खिलाड़ियों के सब साथ जब आपकी कुश्ती होती है तो क्या मन में होता है उस टाइम? मन में यही होता है कि भाई लड़ेंगे तो गोल्ड के लिए लड़ेंगे, सेकंड थर्ड के लिए नहीं लड़ेंगे। एशिया में गया था मैं, वहाँ मेडल नहीं आया, थर्ड के लिए बाउट आई थी वो भी हार गया था मैं, चलो ठीक हुआ वो हार ही गया था, अच्छा हुआ क्योंकि जहाँ भी लड़े गोल्ड के लिए लड़े और गोल्ड ही आया है। एक एशिया चैंपियनशिप मिस होगी थोड़ी ही और बाकी जहाँ लड़े फर्स्ट आए हैं, बहुत मतलब एक यही रहता है कि लड़ेंगे तो फर्स्ट आओगे, गोल्ड गोल्ड चाहिए। कहीं ना कहीं जब हारे थे तो वो मलाल नहीं था आपको कि आगे बढ़ना है और आज वो जो आपने पूरा जो सपना पूरा कर दिया है? हाँ, वो वहाँ पे आ रहा था, ऐसा लगा भाई बहुत गलत होया, बहुत मतलब कम मेहनत करी, यही था मन में, कम मेहनत करी है, थोड़ा कुछ हमारी गलती रही है, मेडल नहीं आया है, तो अब के बार ये था कि एक बार और मौका दिया भगवान ने कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का के नाम है और भगवान ने इतना बड़ा मौका दिया है, यहाँ मेडल दे तो वहाँ नहीं आता कोई बात नहीं, तो यही था मन में भैया हम भी गोल्ड ले आना, अपनी फुल मतलब 100% देना है, 100% दिया और गोल्ड दिया है वहाँ पे। तो बिल्कुल, आप एक साधारण किसान परिवार से, आपके घर में एक किला है उसमें जो घर का खर्च चलता है, तो इतना मेहनत इसमें होती है क्योंकि जो कुश्ती का जो गेम है उसमें काफ़ी खर्च होता है, तो वो किस तरह से वहन कर पाते हैं आप? खर्च यही है कि ज़्यादातर घी दूध का बादामों का खर्चा हो जाए, ये घर से आ जाता है, घी दूध लस्सी वगैरह दही वगैरह ये घर से आ जाती हैं, बादामों का खर्चा हो जाता है थोड़ा, और पार्टनर है, पार्टनर बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दोस्त है मेरा प्रदीप बॉक्सिंग करता है वो बहुत सपोर्ट करता है, उसने मतलब आर्थिक उससे ला लो चाहे किसी भी प्रकार से ला लो, मेंटली से किसी भी प्रकार नीचे से ऊपर तक बहुत मतलब वही लेके आया मुझको, समझाना अच्छी अच्छी बातें बताना, वो मतलब बॉक्सिंग करता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम छोटे छोटे बचपन में इकट्ठे रहते थे, अब तक वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर, अच्छा बॉक्सर है, उसने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे नीचे से लाग अब तक बहुत मेरे साथ खड़ा है, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें बताता है, मतलब बहुत सपोर्ट करता है, हर प्रकार से सपोर्ट करता है। बिल्कुल, सूरज प्रेरणा कहाँ से ली थी आपने कि मैंने कुश्ती में ही जाना है, क्योंकि इसके अलावा आप जो और भी खेल खेलते थे लेकिन कुश्ती को ही आपने क्यों चुना था? ये कुश्ती का सारी हरियाणा मिट्टी में कुश्ती थोड़ा ज़्यादा है,
तो एक अच्छा ऐसा लगता है भी मैं पहलवान बनूँ, पहलवान बनना बहुत अच्छा है, मतलब एक अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है मैं पहलवान हूँ भाई। तो और सुशील पहलवान है, योगेश्वर पहलवान है, बजरंग पुनिया, इनको देखकर, ये आइडल है हमारे, इनको देखकर आगे बढ़े भाई। सुशील पहलवान अच्छे पहलवान, हमें भी ऐसा बनना, योगेश्वर दत्त है, ये बजरंग पुनिया, इन्होंने देख कर आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए। बिल्कुल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन आपको मिला है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से खेलो इंडिया में आपने गोल्ड लिया था और आप जो है देश का नाम रोशन किया है, लगभग 32 साल के बाद आपने गोल्ड देश को दिलाया है। अब तक तो कोई मतलब अनाउंसमेंट हुई है खेलो इंडिया की भी, फर्स्ट आए हैं जो उनको लाख लाख रुपए मिलेंगे, और कुछ अभी तक आए नहीं है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब तक कोई स्पोर्ट वैसे मिला नहीं है। कहते हैं हरियाणा की छोरी छोरों से कम नहीं है, और ये साबित कर रही है हरियाणा की छोरी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि झज्जर जिले के ढाणा गांव की रोहतक में पली पड़ी मुस्कान ने जो है अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और उसके बाद आगे वर्ल्ड कप की जो है तैयारी कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद मुस्कान, और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अचीव किया। मुस्कान, सबसे पहले खबर फास्ट पे स्वागत है बेटा। थैंक यू सबको, मेरे जो खबर आए जो न्यूज बनाने के लिए सबको थैंक यू। बेटा, आपने अभी सब जूनियर में जो है एशियन में जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? जो हमारे सत्यवान गुरु जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी जो प्रैक्टिस करवाई, और कोच हैं जो संदीप कोशाब, रवि कोशाब, अंकित कोशाब, जो साक्षी दीदी, सत्यव्रत भैया, उनने जो अच्छी प्रैक्टिस करवाई, उनकी वजह से मेरा गोल्ड आया एशिया चैंपियनशिप में। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, उसमें भी गोल्ड आओगे मेरा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गोल्ड आएगा इसमें? पूरी जीदारी के गोल्ड लाना है। तो कह रहे कि हरियाणा की छोरी खाने पीने में भी अच्छी हैं और मेहनत करने में भी अच्छी हैं, और वही आप करते हो, और आपका भी यही भी कहना है कि सुनने में आया कि आप लड़ती नहीं अगले खिलाड़ी के साथ, आप पटक देती हैं। हाँ, सब गुस्सा में पहले तो मैं जाके हाथ मिलाती हूँ, फिर बाई फाल कर देती हूँ। तो ऐसा कैसे कर पाती हैं आप? इसमें पहले हाथ मिला के बाई फाल कर देते सबको। तो अब कैसा लगता है कि जब आप जो है पहले नेशनल भी खेले हैं, 3 नेशनल आप खेले हैं, उसके बाद आपने जो है एशिया में जो है गोल्ड मेडल लिया है सब जूनियर में, और अब तैयारी किस तरह की है आपकी? अच्छी तैयारी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आएगा। तो कहते हैं कि लड़कियों के लिए आगे आने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आपको कहीं परेशानी हुई, क्योंकि अब अभी सब जूनियर में खेल रही है, फिर जूनियर में खेलेंगी, फिर जो है सीनियर में खेलेंगी? अभी तो किसी प्रकार की परेशानी थी कि पहले गांव में थे, और अच्छी प्रैक्टिस बारिश की वजह से नहीं हो पाती थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए रोहतक। तो रोहतक में अब यहाँ पर आपको हर तरह की प्रैक्टिस मिल रही है अच्छे, क्योंकि आपका जो अखाड़ा है सत्यव्रत, जो साक्षी हैं वहाँ को, यहाँ खुद हैं जो आपके देखभाल करती हैं, सत्यवान जी का अखाड़ा बहुत पहले से, क्योंकि काफ़ी नाम है, और जो है ओलंपियन जो खिलाड़ी रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी तरह अच्छा प्लेयर बने, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी तरह आप अच्छा बने? अच्छे तो यही है कि ओलंपिक में मेडल आना फर्स्ट, और यही कामना करती हूँ कि फर्स्ट मेडल आए। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं इनके पिता राम कुमार जी, कहीं ना कहीं ये भी जो है खिलाड़ी रहे हैं, पहलवान रहे हैं, तो जिस तरह से गुड़िया को प्रेरणा दी है, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि गुड़िया को भी जो है इसी फील्ड में लेकर के आए? सबसे पहले मेरे प्यारे दर्शकों को, अभिभावकों को मेरा नमस्कार, और ये प्रेरणा तो जी हमसे पिताजी से ही मिली, हमारे पिताजी भी रेसलर थे, भाई भी रेसलर थे, गाँव में करा करते दंगली पहलवान थे, और फिर यहाँ आके गुरुजी ने हमें एक पिता समान सहयोग करा है, ये हमारा कामयाबी का सारा श्रेय हमारे श्री द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी को जाता है। इन्होंने अपने बेटे की तरह हमारी देख रेख की है और हमें संभाला है, और हमारे सत्यव्रत भाई जी है पहलवान जी, अर्जुन अवार्डी हैं, साक्षी दीदी है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो भी अर्जुन अवार्डी, इन्हीं के परीक्षण में, इन्हीं की शिक्षा में हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है, और गुरु जी के चरणों में हमने सेवा का मौका मिला है। हम गुरु जी की शिक्षा को हमारे
अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी शिक्षा को हम अपने पूरे वर्ल्ड में ऊपर लेके जाएंगे कुश्ती जगत में, और इनका नाम हमारी जब आखिरी सांस तक सुनहरे अक्षरों में लिखवाएंगे। बिल्कुल, आपने भी कहाँ तक खेला है, क्योंकि गुड़िया को आप तैयार कर रहे हो, बेटी को तैयार कर रहे हो, और बेटी के लिए काफ़ी परेशानी होती है कि भाई उसको तैयार करना है किस तरह से, और आप ऐसे अखाड़े में हैं जहाँ से पहले ही द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, साथ में ओलंपियन भी हैं। हाँ जी, मैं स्कूली गेम में अंडर 17 और ये अंडर 14 में स्टेट लेवल तक खेला हूँ। स्टेट में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है। बाद में मेरे डिस में 3 बार चोट लगी, जिससे घर के हालात भी ठीक नहीं थे, मैं अपनी चोट को रिकवरी नहीं कर पाया तो छोड़ना पड़ा काफ़ी समय से। फिर मैंने थोड़ी गाड़ी वाड़ी चला के अपनी मजदूरी घर को संभाला, और घर की स्थिति पहले भी डाउन थी, अब तो गुरुजी संभाल रहे हैं। गुरुजी ने हमारे ऊपर अपने पिता समान का आशीर्वाद रख रखे है। और उसके बाद फिर हमने साक्षी दीदी का 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल देखा, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। अब चलो हम नहीं कर पाए तो अपनी बेटियों से कराएंगे और अच्छा कराएंगे। जब से उस दिन से लेके 2016 से लेके आज तक आंधी में रुक जाते हैं, लेकिन हमारी रूटीन कभी नहीं टूटती। चाहे एक टाइम भूखा रहना पड़े, मंदिर ना जा सके, लेकिन प्रैक्टिस ग्राउंड जरूर पर। जो सत्यवान जी हैं, अर्जुन अवार्डी हमारे साथ मौजूद हैं, हम क्योंकि इन्हीं के अखाड़े में आपकी देखरेख में, क्योंकि आपके जो बेटा सत्यवर्त है वो भी ओलंपियन रह चुका है, साक्षी है वो भी मेडल लेकर के आई है, और आपने भी जो अर्जुन अवार्ड लिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड लिया, तो कहीं ना कहीं आपका अखाड़ा कई देशों में विदेशों में नाम है। और गुड़िया जो मुस्कान भी आई है, तो वो भी कहीं ना कहीं पटकनी देकर के खिलाड़ी को चित कर देती है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या इस तरह के आप लोगों ने जो है उनको गुर दिए? देखो, बच्चे को स्टार्टिंग में खड़ा होना सिखाया जाता है, सारी चीज बात को जल्दी पकड़ती है, और जो बच्चा बात को पकड़ेगा वही कुश्ती में आगे आएगा। और मेहनत तो है ही है, मेहनत तो करती है, मेहनत तो कहेंगे उतनी करती है। और हमारा लक्ष्य ये कैडेट जूनियर का नहीं, हमारा लक्ष्य ओलंपिक का मेडल का, और ओलंपिक 2028 का जो होना है उसमें मैं पूरी उम्मीद है ओलंपिक में मेडल आएगा। बिल्कुल, आपके पास काफ़ी खिलाड़ी हैं, तो और इस तरह के खिलाड़ी कितने हैं कि जो आप आने वाले समय में ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं? और मुस्कान की अगर बात करें तो क्या लगता है कि क्या गोल्ड मेडल लेके आएगी या फिर और कोई दूसरे मेडल? देखो, ओलंपिक के हम तो गोल्ड मेडल की तैयारी कराएंगे, आस भी है ओलंपिक के गोल्ड मेडल ले आएगी। और छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, वे भी बढ़िया लड़ते हैं, अभी 14-15 साल के जो हैं वे भी अपने ठीक बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका भी जब आएगा कैडेट और जूनियर, उनसे जब भी लग जाएगा, हाँ ये मेडल दे सकते हैं। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।